तो आम बात है, आत्मा शरीर छोड़ के परमात्मा के यहाँ जाती है, क्योंकि ये तो साधारण बात है कि आना जाना लगा रहता है, और जो यहाँ आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। बिल्कुल। लेकिन खास बात क्या है, क्या है? छोड़ के तन परमात्मा के घर आत्मा जब जाती है, परमात्मा स्वयं आते जब शुभ घड़ी आती है। बहुत देर में आती है जब परमात्मा स्वयं मिलने को आ जाते हैं, तो इसलिए कह रही हूं क्या कि रूठे राम को, अरे रूठे राम को मनाना आसान है, रूठे राम को मनाना आसान है, और उनको वन वन रुलाना मुश्किल है। भगवान को वन वन रुलाना मुश्किल है, और ये मुश्किल काम केवल एक ही पात्र कर पाया, और वो है लंकापति रावण। तो कह रही हूं क्या कि भगवान के घर जाना आसान है, भगवान के घर जाना तो आसान है। दादा श्री संत राम चौरसिया जी, आपके कर कमलों से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, दादा को धन्यवाद है मेरी ओर से। लोग कहते हैं अभी तो अच्छे खासे बैठे थे, पता नहीं क्या हो गया, अचानक भगवान के घर चले गए, तो कहना है क्या कि भगवान के घर जाना आसान है, भगवान के घर जाना आसान है, लेकिन भाई साहब घर भगवान को बुलाना मुश्किल है। परमात्मा जब स्वयं चलकर के आपके घर आ जाए, ये बहुत मुश्किल बात है। सही बात। तो घर भगवान को बुलाना मुश्किल, घर भगवान को बुलाना। भक्ति तो दोनों ने की है, भगवान की स्तुति तो दोनों ने की है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्या है? क्या है अंतर? क्या? अरे भैया अंतर क्या है? क्या है? चाहे केवल चाहे जटायु, दोनों की भक्ति निराली। दोनों भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? एक ने जान से चाह, एक ने जान स्वयं दे डाली। जान से ज्यादा चाहा, तो एक ने भगवान के लिए अपनी जान ही दे डाली। इसलिए पग भगवान के जैसे केवट ने धोए, पग भगवान के धो पाना आसान है, पग भगवान के धो लेना आसान है, लेकिन पग भगवान से धुलाना मुश्किल है। और सुनिए, गोद प्रभु को उठाना आसान है,
गोद में तो उनकी माता कौशल्या ने भी उठाया, माता यशोदा ने भी उठाया, नंद बाबा ने भी उठाया, लेकिन गोद प्रभु को उठाना आसान है। तो गोद प्रभु को उठाना आसान है, लेकिन उनकी गोद में मर जाना मुश्किल है। उनकी गोद में मर जाना मुश्किल है। उनकी गोद में मर जाना मुश्किल है। तमाम ऐसे पात्र हैं। एक चीज और देखिएगा आप लोग, एक बात और, बेर प्रभु को खिलाना आसान है, लेकिन उनको छिलके खिलाना मुश्किल है। लेकिन विदुरानी ने छिलके भी खिला दिए भगवान को। क्या बात, तो एक अंतिम टुकड़ा देखिएगा भैया जी, सुनिए। माता पिता और गुरु तीनों से उड़ न कोई हो पाता। माता पिता और गुरु, इन तीनों का ऋण कभी व्यक्ति उतार नहीं सकता है। तो इन तीनों से पावन राखी कोई नहीं है दाता। इन तीनों नातों से, इन तीनों रिश्तों से पवित्र कोई नाता नहीं है। इसलिए कह रही हूँ क्या, क्या? दूध माता का, दूध माता का पी जाना आसान है। आज के दौर में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप लोग। दूध माता का पी जाना आसान है, लेकिन उनको पानी पिलाना मुश्किल है। क्या बात, क्या बात। लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, उनको पानी नहीं पिला पाते हैं, और जाकर के सीधा वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। तो उनको पानी पिलाना मुश्किल है। और कुछ लोग तो इतने दुष्ट हैं, निकम्मे, कि अपने माता पिता को प्रताड़ित भी करते हैं। लाठी उन पर उठाना आसान है, तो लाठी उन पर उठाना आसान है, उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है। उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है। उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कह रही हूं क्या, क्या? जन्म बेटी को, जन्म बेटी को दिलाना आसान है, तो जन्म बेटी को दिलाना आसान है, लेकिन लाज बेटी की बचाना मुश्किल है। और एक बात और कह रही हूं क्या, क्या? चार कुत्तों को खिलाना आसान है, चार कुत्तों को खिलाना आसान है, गाय माता को खिलाना मुश्किल। करे जब पाए गवा नोट तो चालान का करे।
ईसभवा प्यार मोहब्बत और मोबाइल की बदौलत भाग गई धनों तो प्रधान का करे। क्या बात, तालियां बजा दीजिएगा भैया। छप्पन की उम्र में रहीम राम चली गई, छप्पन की उम्र में रहीम राम चले गए, हनी प्रीत जानती है इश्क का फितूर है। साठ रामपाल बहत्तर में आसारा, बहत्तर में आसारा गिरने की सूची तो हमें ज्ञात भी जरूर है। और छियासी में गिरे थे यंडी तिवारी, उनका भी किस्सा बड़ा मशहूर है। और रुपया गिरा तो बताइए इसमें मोदी का क्या कसूर है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। चंद पंक्तियां और पढ़ रहा हूं कि बड़े सर की टेबल पे जाने से पहले निपट लो अलाने फलाने से पहले। बड़े सर की टेबल पे जाने से पहले निपट लो अलाने फलाने से पहले। नियम से चले हैं ये सरकारी दफ्तर, खिलाना जरूरी है खाने से पहले। पिताजी तो कहते घटाना सरल है, मगर कुछ तो जोड़ो घटाने से पहले। शहर में पुलिस की कड़ी चौकसी है, अरे मैं लुटा जस्ट थाने से पहले। और बुढ़ापे में शादी रचाई है जिसने, खड़ी कर ली खटिया बिछाने से पहले। तालियां बजा दीजिएगा, बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। बड़े आदर और सम्मान के साथ भैया दुर्गा दिलेर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। कहना है कि घूंट जबरन जहर का पिला दीजिए, या चने सा तवा पर तला दीजिए। जो चमन को मिटाने की साजिश रचे, ऐसे माली को जिंदा जला दीजिए। आइएगा भैया श्री दुर्गा दिलेर जी। भाई भरत से मिले हैं।
गुप्ता जी और राजसुंदर आपकी तरफ से क्या पत्र मुझे प्राप्त है, मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सुनेगा बहुत से शिकायत करेंगे कि लड़के खराब हो रहे, इसीलिए रात को आंखों में बसा